प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 5 सालों की उपलब्धियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। ये अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। बीजेपी जिला अध्यक्ष वेद फूला के नेतृत्व में फतेहाबाद में भी यह अभियान शुरू किया गया है। अभियान के शुरुआती चरण में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांव बोदीवाली में जाकर ग्रामीणों को मनोहर सरकार की योजनाओं और 5 साल में जनहित में किए गए कार्यों की जानकारी के संबंधित सामग्री वितरित की। साथ ही साथ गांव के एक बड़े बुजुर्ग को पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष वेद फूला ने बताया कि महाजनसंपर्क अभियान का उद्देश्य बूथ लेवल तक जाकर प्रदेश की जनता को बीजेपी की उपलब्धियां और योजनाएं बताना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में प्रदेश में जितने भी जनहित के काम हुए हैं या आने वाले समय में जो काम किए जाने हैं उन्हें जनता तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को मनोहर लाल जैसा साफ छवि का ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है जो प्रदेश के हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है। आज पूरे हरियाणा में आज से लेकर के 15 तारीख तक महासंपर्क अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने करी है। इसमें हरियाणा के सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महासंपर्क अभियान के माध्यम से माननीय मनोहर लाल जी की 5 साल में जो काम किए हैं उसकी पूरी जानकारी बूथ के ऊपर हर आदमी को हो, इसको लेकर के संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। आज गाँव बोदीवाड़ी में हम सब लोग इसी कार्यक्रम को लेकर के, इस गांव के 2 बूथ हैं, दोनों बूथों पे हम जाएंगे और घर घर में जाकर के एक ऐसा लीफलेट है जिसमें 5 साल की सरकार की पूरी योजनाएं माननीय मनोहर लाल जी की सरकार की जिसे जनता को लाभ प्राप्त हुआ है उसकी जानकारी गांव के लोगों को देंगे। एक स्टिकर है जिसमें माननीय मोदी जी और मनोहर जी की फोटो जिस पे लगी हुई है। अब की बार 75 पार का यह स्टिकर माननीय मनोहर लाल जी को और हरियाणा में दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर घर में लगाएंगे। और एक बुकलेट छोटी है जिसमें ये ऐसी बुकलेट भी है जिसमें सरकार की पूरी योजनाएं सभी कार्यकर्ताओं के जेब में रहेंगी और किसी भी तरीके की जानकारी किसी को लेनी हो तो इसके माध्यम से वो पढ़ करके पूरी जानकारी लोगों को दे पाए, यह अभियान आज रहेगा। इसमें ऐसा है कि 5 साल का कार्यकाल जिस आदमी को जिस चीज़ का लाभ हुआ है उसी बात की उसको जानकारी रहती है। जैसे किसी आदमी को रोजगार मिला है तो उसको रोजगार की जानकारी है, किसी आदमी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से अगर उसको बीमा मिला है तो उसकी जानकारी है। लेकिन व्यापारी को क्या लाभ हुआ यह जानकारी नहीं, खिलाड़ियों के लिए हमने क्या किया उसकी जानकारी नहीं, खिलाड़ियों को खिलाड़ी की जानकारी है उसको किसान की जानकारी नहीं। यानी कि पूरी जानकारी सभी जनता को हो, यानी कि हरियाणा का चमोही विकास कराने का काम किया तो मनोहर लाल जी ने किया है, इसलिए ये बुकलेट हम सब लोगों को दे रहे हैं। वहीं जिलाध्यक्ष ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 48 सालों के दौरान कितनी सरकारें आई मगर हरियाणा विकसित नहीं हो पाया। इन 5 सालों के शासनकाल में बीजेपी ने हरियाणा में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी और जो काम रह गए हैं वो मनोहर 2 सरकार में पूरे किए जाएंगे। काम है, बहुत सारे काम है, क्योंकि पिछले जो है जब से हरियाणा आजाद हुआ है तब से अगर देखें तो अगर ये सरकार हमारी बनी है तो 48 साल पहले भी हरियाणा था। इन 48 सालों की में हरियाणा के अंदर विकास नहीं हुआ। आज भी गली नाली की बहुत सारी समस्याएं गांव के अंदर रहती थी। माननीय मनोहर लाल जी ने कोशिश करी है कि इन 5 सालों के अंदर इन समस्याओं का निवारण हो, लेकिन किसी तरीके की छोटी मोटी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं उनको हम नोट भी कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि आचार संहिता से पहले वो हो जाए, नहीं तो उनको सबको नोट कर करके मनोहर लाल 2 में वो काम हो प्रायोरिटी के आधार पर हो जाए, इसलिए उनको नोट कर करके हम भेज भी रहे हैं। आज पहला दिन है, आज से लेकर 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।